लाश जल रहा था तो ये पुलिस वाले श्रीलंकन वर्कर को टॉर्चर किया गया और कर करके उसको मार दिया गया। क्या लोग कहेंगे कि कैसा मुल्क है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बात एक जो है सच हकीकत जो होती है, हम जो अपने आप को इस्लामी ये कहते हैं और इस्लामी वो कहते हैं, हम बोलने हमारे में हिम्मत नहीं है। अब आपने ये जो वाक्य हुआ इसके असरात वहां क्या होंगे? वहां एक ग्रुप है ऑब्वियसली इंडियन जो उसकी सरपरस्ती करते हैं। एक श्रीलंकन जनरल मैनेजर कंपनी का जो था उसको पकड़कर मुश्तइल हुजूम ने ना सिर्फ जदोकोब किया, उसकी जान ले ली, बल्कि उसकी लाश तक की बेहुर्मती की गई। इन दहशतगर्द ग्रोहों को, इन शिद्दत पसंद ग्रोहों को हम ही नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नारे लगा लगा कर उस शख्स को मारा गया। एक ऐसा आदमी जो अपने दूसरे मुल्क से यहाँ पर आकर काम कर रहा है, काम के लिए, रोजगार के लिए आया हुआ है। जरा सोचिए कि उसको क्या पड़ी होगी कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहा है, और वो अच्छी तरह जानते होंगे वो जो साहब थे, क्या कहें उनके बारे में। मतलब मैं ये कहूँ कि वो बहुत ही बदकिस्मत थे, या मैं ये कहूँ कि हमारी कौम बहुत बदकिस्मत है। मेरा सवाल वही है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी स्टेट पर आती है, रियासत पर आती है। इसकी वजह यह है कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि इन दहशतगर्द ग्रोहों को, इन शिद्दत पसंद ग्रोहों को हम ही बनाते हैं और हम ही आगे लेकर जाते हैं। और जब हम इस पर कुछ लिख देते हैं, हुकूमत के मेंबरान उनके पास जाते हैं फूलों के गुलदस्ते लेकर जब वो जेल से निकल कर आते हैं। एक ऐसा दहशतगर्द या शिद्दत पसंद ग्रोह जिसको आप कहते हैं कि इनसे बड़ा शिद्दत पसंद कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ, हुकूमत कह रही है, ये हुकूमत ही कह रही थी ना कि TLP ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, और जब संभाले नहीं संभल रहे थे तो हुकूमत ये कह रही थी कि इनसे बड़ा दहशतगर्दी कोई नहीं है, इनसे बड़ा शिद्दत पसंद कोई नहीं है। ये तो इंडिया के एजेंट हैं, ये तो भारत के एजेंट हैं, इनको फंड आ रहा है भारत से, इसी वजह से ये कर रहे हैं। और फिर यूं पलटा खाते हैं अगले दिन और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे हीरो हैं, इनको जो है वो तमाम हर तरह की जो बैन लगाया गया है वो भी ख़त्म कर रहे हैं, ये कलदम भी नहीं रहे। और उसके बाद उनको इतना लाइमलाइट किया जाता है कि वो उनको इलेक्शन में लाया जा रहा है और वो हुक्मरानी करेंगे इस मुल्क पर। तो आपको पता है जो तफसीलात आ रही हैं, वहाँ पर जब मारा गया तो वहाँ पर जो पुलिस से पहुँच गई थी वो, और ये बयान आ रहे हैं जो जब उनसे पूछा गया कि आपने बचाया क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये इतने ज़्यादा लोग थे और इसका जो ये जो सब्जेक्ट है यानी तौहीन मज़हब का मामला है, और हम तादाद में कम थे। उन्होंने कहा हम तादाद में कम थे, हम कैसे जाते आगे इनको करने के लिए, हम नहीं कर सकते थे, और हम अपने आप को अपना बचाव नहीं कर सकते थे उसके बाद अगर हम भी ये उनको बचाने की उसको कोशिश करते। पाकिस्तान श्रीलंकन फैक्ट्री वर्कर टॉर्चर्ड टू डेथ ओवर ब्लास्फेमी, बॉडी बर्न। श्रीलंकन वर्कर को टॉर्चर किया गया और कर करके उसको मार दिया गया, और इसके ऊपर इल्ज़ाम था ब्लास्फेमी का यानी तौहीन मज़हब का, और फिर उसकी उसके जिस्म को जला दिया गया। मैं एक आपसे बात कहूँगा कि आज जो वाक़या सियालकोट में हुआ, कुछ अफसोस के कलमात तो हम कह दें, कौन सा कैसा माशरा हमने बना रहे नहीं हैं, कैसा माशरा हमने बना डाला है ऐसी चीज़ें करके, या ऐसे जब वारदातें होती हैं, इंसिडेंट्स होता है, और किसी का दिमाग जो हिला हुआ है कि यहाँ पे आके कोई पैसे यहाँ लगाएगा, हम एक डेस्टिनेशन बन जाएंगे फॉरेन कैपिटल के, यहाँ पे टूरिस्ट आया करेंगे, यहाँ पे दुनिया आया करेगी। हमारे हालात ठीक होते, जो बेकदरी हमारे रुपए की हो गई है, दुनिया के तमाम छुट्टी मनाने वाले वो यहां पे आए होते कि इससे सस्ता मुल्क कोई नहीं है। अच्छा, और एक है कि पूरा माशरा क्या वो प्रेफर क्या करता है, गुंग रहना, बात नहीं करनी, हिसास मामला है, कुछ कहना नहीं प्लीज,
अब ये जो आज हुआ है वाकया, इसका पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो नाम है, एक जो पहले ही कोई इतना दरख्शां हरूफ में दुनिया की काउंसिल्स में नहीं लिखा जाता, मतलब क्या लोग कहेंगे कि कैसा मुल्क है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बात एक जो है सच हकीकत जो होती है, हम जो अपने आप को इस्लामी ये कहते हैं और इस्लामी वो कहते हैं, हम बोलने, हमारे में हिम्मत नहीं है बोलने की, हो वो ना बात करे, वो ना बात करे, फलां बुरा मना जाएगा, फलां ऐसे कर जाएगा। सियालकोट में आज जो अंधोनाक वाका पेश आया, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आज का दिन वाकई बेहद शर्मनाक था। ये महज अलमनाक वाकया नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में इसको यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं मीडिया तो ज़्यादा नहीं देखा मेन स्ट्रीम, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह देखता रहा, लोगों से बात करता रहा। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात की नौयत क्या है। अब जब इस तरह का हादसा होगा तो वहाँ पहले ही कुछ पेचीदगियाँ, वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ क्या है। ठीक है, इसकी कोई बड़ी इनफरादियत है श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की? बाज चीज़ें मैं बयान कर सकता हूँ, बाज नहीं कर सकता। बाज कौमी राज होते हैं, वो राज ही रहने चाहिए, वो बेशक दुनिया को पता हो लेकिन उसका ऐलान नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। अब आपने ये जो वाकया हुआ, इसके असरात वहाँ क्या होंगे? वहाँ एक ग्रुप है ऑब्वियसली इंडियन उसकी सरपरस्ती करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, और वो लिसानी मसला उधर पेचीदा हो जाएगी बात। इंडिया में आज सारा दिन टेलीविजन यही करते रहे, उन्हें मौका मिला। अमेरिका में भी यही होगा, यूरोप में भी यही होगा। देखो आपके खिलाफ कब से लॉबिंग हो रही है, अमरीकी आपसे नाराज हैं सीपैक की वजह से, और वो प्रेशर अभी बहुत बढ़ गया है। 9 और 10 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो बाइडन ने जो बुलाई है उसकी वजह से दबाव पहले ही बहुत ज्यादा है, अब ये दबाव और बढ़ जाएगा। ऐसा हो रहा है कि लोगों ने मुश्तैल होकर किसी भी शख्स को पकड़कर जिंदा जला दिया। ऐसा ही वाकया सियालकोट में पेश आया है, जहां पर एक श्रीलंकन जनरल मैनेजर कंपनी का जो था उसको पकड़कर मुश्तैल हुजूम ने ना सिर्फ जदोकोब किया, उसकी जान ले ली, बल्कि उसकी लाश तक की बेहुर्मती की गई। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इसकी वीडियोस वायरल हुई और लोग उसके साथ सेल्फियां बना रहे थे, कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सब मारने वालों में ही शामिल नजर आ रहे थे। मुझे तो बहुत ही अफसोस है, इतना शर्मिंदा हूँ, अफसोस और शर्मिंदगी के साथ। ये मैं बिल्कुल सही कहा है इमरान, बस उसके साथ मैं अपने आप को एसोसिएट करता हूँ। मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब ये पुलिस वालों को अगर एक आदमी कत्ल भी हो जाए, टॉर्चर भी हो जाए और उसका लाश जला भी जाए और उस वक्त तक नहीं पहुँचते हैं, तो ये किस किस्म का रिस्पॉन्स है पुलिस का। और दूसरी बात जो मैंने एक झलक देखा था कि जब वो उधर वाकई वो उधर पहुँचे और लाश जल रहा था, तो ये पुलिस वाले जिसके पास कोई हथियार वथियार कुछ नहीं थे, ये बड़े तमीज़ से ये जो गुंडे थे उधर उनको कह रहे थे कि पीछे आप हटें, मेहरबानी से पीछे आप हटें। भाई उसको बुझाने की कोई कोशिश नहीं किया, कुछ नहीं।